ओम शांति मुरलीका सार है मीठे बच्चे याद से याद मिलती है जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है बच्चे प्यार से याद करते हो कभी किया है मुझे उस निराकार को प्यार से याद प्यार से याद तो मैंने बताया ना कल ही प्यार तो सिर्फ परम धाम में है इस सृष्टि में नहीं है और प्यार से याद का अर्थ क्या है जिस याद में कोई मांग नहीं है कोई भिकमंगापन नहीं है किसी भी प्रकार का उसको कहते हैं प्यार की याद तूने याद मुझे बहुत किया है पर भिकमंगेपने में किया है मेरे सामने कभी बच्चे नहीं बैठते थे सब भिकमंगे ही बैठते थे हर जगह में कहते बाबा के कमरे में बैठे सब भिकमंगे ही बैठते थे याद करने के लिए निस्वार्थता से तूने याद किया कब है है कोई समय बच्चे ध्यान में रखना निस्वार्थ याद ही तुम्हें बदलेगी और जिस याद में कोई ना कोई स्वार्थ है वो भिकमंगे पने की याद है उस याद को मैं कबूल नहीं करता उस भिकमंगे को मैं भीग दे देता हूँ उसके संकल्प को पूरा करता हूँ इच्छा को पूरा करता हूँ भिक्खमंगा खुश हो जाता है बाबा ने मेरी सुनी पाँच मिनट दस मिनट आधा घंटा एक घंटा नुमा अमृत याद किया संकल्प पूरा हुआ नहीं बच्चे भीख मिले तुझे बदले में समझ है भाई परमात्मा से मांगने के लिए बैठते है क्या समझ में नहीं आता क्या सागर से कभी मांगा जाता है सागर है वो ऐसे ही दे देगा भीख मंगापन छोड़ भाई सबने यही याद किया है ये मिले वो मिले ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए समझ और कोई कोई तो महाभिकमंगे ऐसे है जिन्होंने लोगों को सिखाया है 21 दिन अमृत वेला करो ये संकल्प पूरा होगा ये महाभिकमंगे भिकमंगों के भी भिकमंगे है ये अमृत वेला इसके लिए है संकल्प पूरे करने के लिए अमृत वेला है अमृत वेला किसके लिए है ये महाभक् ये महाभिक मंगे कहेंगे आठ दिन दस दिन बारह दिन इक्कीस दिन तीस दिन भट्टी करो बाबा को याद करो संकल्प पूरा होगा ये महाभिक मंगे दूसरों को भिक मंगे बना रहे और भीख कैसे मिलेगी इसकी विधि बता रहे भीख प्राप्त करने की विधि भाई परमात्मा है वो अगर वो सतयुग दे सकता है तो यहां का क्या नहीं दे सकता पर उसे नहीं देना है तुझे उसे दुख में ही रखना है गरीबी में ही रखना है क्योंकि उसी में तेरा भला है उसी में तेरा कल्याण है तुझे उसे दर्द में ही रखना है योग को लेकर यहाँ की कोई भी बात का संकल्प सपने में भी नहीं रखना उसे कहते समझदार योगी कभी किया है ऐसा योग या सब भिकम किया है समझ है भाई कहते इसके लिए योग करो उसके लिए योग करो पंद्रह दिन करो बीस दिन करो एक मास करो ये संकल्प पूरा होगा इसके लिए योग सिखाया मैंने तुझे इसके उसके लिए योग करने के लिए कौन सी दुनिया का संकल्प पूरा कर रहा है जो विनाश होने वाली है उसके लिए तू योग शक्ति लगा रहा है समझ है बच्चे जरा होश में आ होश में आ कभी कोई बच्चे कहते हैं कि योग बढ़ाते तो अपना सेंटर खड़ा हो जाएगा सेंटर की इमारत बन जाएगी अरे बच्चे सेंटर उसका ज्ञान उसका मुरली उसकी वो चाहता है झोपड़ी में चले तो झोपड़ी में ही चलाओ जिन जिनों ने योग बल से सेंटर खड़ा किया है देखना बच्चों जो झोपड़ी में चलता था ना ज्ञान योग अभी वो महल में नहीं होगा नहीं होगा चेक करना ऐसा महल छोड़ देना किसी काम का नहीं है सेंटर बनाने के लिए योग नहीं है योग सिर्फ आत्मा आत्मिक स्वरूप में लाने के लिए है ध्यान में रखना सत्य स्वरूप में लाने के लिए है परमात्म प्यार को समझने के लिए है उसके साथ कनेक्शन करने के लिए है इस लोग की किसी भी बात के लिए योग अगर तुमने लगाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इस दुनिया में ध्यान में रखना हिसाब सबका करूंगा इसके लिए मैंने राजयोग सिखाया है तुम्हें बहुत से लोग राजयोग माना इस लोग का सुख देने वाला योग समझ है भाई तू मूर्ख है क्या तुझे कभी समझा नहीं राजयोग किस लिए है राजयोग से तू यहां की चीजें ठीक कर रहा है समझ है? अभी मैं कह रहा हूं आज की तारीख उनतीस मई 2024 मैं एक ऑर्डिनेंस निकालूंगा आगे चल के जिन ने मेरे राजयोग को संसार के पॉइंट वन बात के लिए भी लगाया है ना उनको मैं बैन करने वाला हूं और मुझे पता है सभी है नहीं चाहिए मुझे आप होंगे तो आपको भी निकाल दूंगा मैं तैयार रहना नॉट अलाउड मुझे बस मेरे सामने उतने ही चाहिए जिन्होंने राजयोग आत्मिक स्थिति के लिए परमात्म याद के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए किया है उतने ही चाहिए मेरे सम्मुख बाकी भीख मंगे नहीं चाहिए मुझे जिन्हें संसार की भीख चाहिए शोभा देता है भाई राजयोग के नाम से दे रहे बाबा राजयोग के नाम से घर दे रहे बाबा राजयोग के नाम से नौकरी दे दे, दे बाबा शोभा देता है राजयोग को लगा रहा है तू इस विधि में शर्म नहीं आती ये क्यों नहीं कहता घर परिवार मर जाए समाप्त तो हो जाए पर राजयोग को मैं इस बात के लिए नहीं लगाऊंगा समझ है है हाँ तुम पर छोटोगे नहीं कोई भी मुझसे याद किस लिए दी है मैंने समझ में नहीं आता आत्म परिवर्तन और विश्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन माना विश्व की सभी आत्माओं को आत्मिक स्थिति में लाना और सत्य स्वरूप तक पहुंचाना यह है विश्व परिवर्तन नॉट बाहरी इसी के लिए इस्तेमाल करनी है याद राजयोग तूने अगर इसके अलावा कहीं और लगाया है तो खबरदार रहना सावधान रहना तेरे परिवार का कोई शरीर भी छोड़ रहा है और वहाँ महान फरिश्ते आकर भी तुझे बोले कि बाबा को याद करो तो इनका प्राण बचेगा तो भी नहीं करना है फरिश्ते बोल रहे हैं इवन ब्रह्मा बाबा मम्मा भी आए सूक्ष्म शरीर में और उन्होंने कहा आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो तो इनका प्राण बचेगा आयु बढ़ेगी तो भी नहीं करना है उनका छोड़ो स्वयं के लिए भी बोला किसी ने ब्रह्मा बाबा और मम्मा आए तू शरीर छोड़ रहा है और कहा कि आत्मा समझकर बाबा को याद करो तो आपकी आयु लंबी होगी बिल्कुल नहीं करना है आयु लंबी करने के लिए बिल्कुल इसे कहते हैं समझ इसे कहते हैं ज्ञान है तेरे पास लिया है तूने देख विचार कर तूने याद को कहाँ लगाया है कचरा कर दिया याद का तूने कचरे में लगा कर समझ की बात है विचार कर भाई परमात्म याद है और तू कर क्या रहा है खबर नहीं है तुझे याद किसके लिए दी है समझ की बात है सब लुट जाए तो भी मंजूर है पर परमात्मा की याद और इस कलियुग के लिए लगाए कलियुग के प्राप्ति के लिए लगाए इम्पॉसिबल है मर जाएंगे पर लगाएंगे नहीं इसे कहते है समझ है तेरे अंदर देख समझ की बात है हाँ उसी याद से दिव्य बुद्धि का संकल्प रखा जिससे आत्मिक स्थिति में आए परमात्म याद और कड़ी हो जाए परमात्मा हमें समझ में आए तो बात निराली है तू तो क्या मांग रहा है बाहरी सब याद से शोभा देता है भाई तुझे समझ दी नहीं शायद किसी ने और तू मूर्खों की औलाद तूने कभी समझ ली नहीं है किसी से तुझे पता नहीं यहां क्या सिखाया जाता है किसके लिए सिखाया जाता है समझ की बात है सारे सारे समझ है एक समय पर मेरा एक संकल्प जागृत होगा बच्चों ध्यान में रखना एक समय पर यह संस्था यह कार्य यह ज्ञान सिर्फ आत्म परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के लिए है इसके अलावा किसी और इंटेंशन से इस ज्ञान में जो आएंगे बर्बाद हो जाएंगे संकल्प है मेरा और जैसे तू यहां शुरू करेगा इस मार्ग पर इस राह पर लिख के लेना मुझसे तेरी सांसारिक बर्बादी स्टार्ट होगी सांसारिक बर्बादी पूर्ण रूप से नाम मान शान धन सब बर्बाद होगा आना है तो आ नहीं तो मत आ मुझे कोई आपत्ति नहीं कि तू यहां आ तेरी बर्बादी शुरू होगी लिख के लेना मुझसे यह मार्ग नए का है पुराना छोड़ने का है एक समय पर यह संकल्प जागृत होगा आज भी हो सकता है इसलिए इस राह को समझकर चुनना इस राह को अगर तुमने चुना तो बाहरी रूप से तेरे पास जो है सब समाप्त होगा संभल कर चुनना बच्चे मुझे कोई आपत्ति नहीं चुन या ना चुन नहीं चुनेगा तेरा जाएगा चुनेगा तुझे मिलेगा मेरा क्या जाता है भाई इसमें मैंने सूत्र बता दिया यहाँ का पूरा क्लियर किया यहाँ कोई भी आए भट्टी में किसी की कोई भी लौकिक बात सुननी नहीं है किसी को भी और किसी को सुनाना भी अलाउड नहीं गलती से भी किसी ने सुनाया हमारे परिवार वाले ऐसे ये परमानेंट उसको बैन कर दो हम कहते हैं बात करनी है आत्मा की करो आत्मा की कभी की है क्या आत्मिक स्थिति के लिए क्या करें आत्मिक पढ़ाई के लिए क्या करें समझ है समझ तो कुछ है नहीं बस चल ही रहे हैं ऐसे ही यह ऐसे रहा है यह जन यह संसार की कोई बात सुनी नहीं जाती किसी भी रूप से करना है तो कर चलना है तो चल नहीं तो गर जा, यह नो संसार ओनली आत्मा परमात्मा बात समाप्त संसार की कोई बात सामने रख ही नहीं सकते यहाँ पर सिंपल बात है बच्चे किसके लिए बनी है संस्था समझ में आना चाहिए कारण क्या है इस ज्ञान की स्थापना का ढाई हजार साल अशुद्ध और ढाई हजार साल शुद्ध संसार किया जी ने भरा जो अभी भी तुझे संसार के उत्तर चाहिए संसार की बातें समझना जानना चाहता है त्रासी जन्म माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी सब में जान अटकाई जी नहीं भरा जो एक जन्म में जान निकल नहीं रही है बाहर जिसको परमात्मा में लगाए ताकि अगला कल्प सुहावना हो जाए समझ है बच्चे देख याद करता है क्या इस प्रकार से बाबा को जिस याद में कोई संकल्प कोई स्वार्थ नहीं है ऐसी याद बड़े प्यार से खुशी से आनंद से मौज से कभी याद किया है बाप को बच्चे ध्यान में रखना उतनी ही याद तेरे खाते में जमा है बाकी कोई याद नहीं बाकी तो व्यवहार है परमात्मा से उसका बोझा चढ़ाए तुझ पर क्योंकि तूने परमात्मा से व्यवहार किया है संभल कर रहना देवताओं से व्यवहार करते जी नहीं भराए जो तूने परमात्मा से भी व्यवहार शुरू कर दिया हिसाब किताब होगा बच्च हर बात का बी रेडी तैयार रहना हर बात के लिए छूटेगा नहीं किसी भी रूप से छूटेगा नहीं संभल कर रहना ऐसी याद की है क्या देख क्यों आया इस ज्ञान में क्यों आया इस संस्था में किसने बुलाया था तुझे यहाँ और आया तो आया समझ नहीं थी सेवन डेज कोर्स के बाद समय में समझ मिली होगी ना तो पता चला होगा ना क्यों आए तो समझ बदली कि नहीं बदली या अभी भी, भी राजयोग तू कचरा पाने के लिए लगा रहा है कर रहा है राजयोग से अगर तूने इस संसार की कोई भी बात पाई है तो तुझसे बड़ा महापापी कोई नहीं है ध्यान में रखना बच्चे महापापी है तुम क्योंकि राजयोग किस लिए बना था और तूने उसका किया क्या समझ है जिन्होंने राजयोग से संसार के संकल्प रचे हैं और पाए भी है वो सारी बातें और संकल्प पूरे किए हैं वो शायद ही आत्मिक स्थिति में आ पाएंगे शायद ही 99% परसेंट नहीं आ पाएंगे क्योंकि तूने विधि को समाप्त कर दिया इसलिए शायद दुनिया मूर्ख हो सकती है पर तू तो अकलवान था ना इस ज्ञान में आने वाला तो तुझे ज्ञान की अकल नहीं थी राजयोग किस लिए होता है सीधे सीधे शब्द लिखे जरूरत क्या है समझ की बात है ऐसी याद है क्या तेरे जीवन में देख तूने याद को समाप्त कर दिया बच्चे याद से याद मिलती है जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है ध्यान में रखना प्यार से जो याद करते हैं उनकी ही कशिश होती है कचरा पाने के लिए जो याद करते हैं उनका चेहरा भी देखना बाप पसंद नहीं करता बिल्कुल क्योंकि राजयोग से भी कचरा ही मांग रहा है तुम तुझे समझ नहीं है समझ के बाद बच्चों ध्यान में रखना संकल्प रख कर किसी भी प्रकार का जब आप बाप को याद करते हो मैं आपको याद आ ही नहीं सकता हां तूने मेरे किसी स्वरूप को याद किया है तो उस याद के बल से तुझे प्राप्ति होगी वो संकल्प पूरा होगा पर जो मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा कब भी नहीं समझ है सारी सारी इसलिए बच्चे इतने वर्ष होने के बावजूद तू तो खाली है क्योंकि तूने सब खर्च कर दिया तुझे कभी परमात्मा याद ही नहीं आया कब भी नहीं सब समझना पड़ता है सब कुछ इसलिए ज्ञान को ध्यान से समझो यहाँ क्या सिखाया जाता है किसके लिए सिखाया जाता है कौन सिखा रहा है सब समझना पड़ता है फिर बच्चे प्राप्ति होगी वरना नहीं माफ करना बच्चे देख याद को चेक कर उसे किसार में कहूंगा भिकपंगापना छोड़ और बाप का बच्चा बन जा सीधी बात प्रश्न है तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ उत्तर है जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएंगी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा अवस्था अचल अडोल बन जाएगी इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगे इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो नोट करने से सावधान रहेंगे योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा बच्चे नोट रखिए कभी कल मैं कैसा था आज कैसा हूं कुछ परिवर्तन आया है या नहीं आया है या फिर आज व्यर्थ चला गया मेरा नोट रखिए क्या अपने पास कल मेरी शांति की स्टेज क्या थी आज कितनी है पवित्रता की क्या थी सुख प्रेम शक्ति की क्या थी आज ज्ञान की अवस्था क्या कहती है अष्ट शक्तियाँ क्या कहती है आज मेरे पास कितनी सहन शक्ति है कितनी बड़ी है परखने की सामना सहयोग अमृता अंतर्मुखता दृढ़ता आनंद आत्मिक स्थिति कितनी आई कल कितना था यह स्वरूप आज कितना है नोट रखते हो तुम्हें बदलना है या नहीं बदलना है बदलने वाला अपने पास नोट रखता है कल मैं कैसे था आज मैं कैसा हूं और आज अगर कमी आए तो परेशान होता है कि कल तो अच्छा था आज क्या हो गया आज कहां कम पड़े हम ये अवस्था क्यों नहीं पाई हमने आज पॉइंट वन तो बढ़ना चाहिए ये होता है अभ्यास है तुम्हारा परेशान हो नोट रखते हो क्या चेक करो बस कोई कह रहा है इसलिए तुम कर रहे हो कुछ नहीं मिलेगा जो कर रहे हो उससे प्राप्ति क्या हो रही है देखो अगर प्राप्ति नहीं हो रही तो बच्चे तुम खुद ही अपने आप को भटका रहे हो खुद ही भटका रहे हो खुद ही ठग रहे हो अपने आप को समझ है भाई जो कुछ कर रहे हो उसका परिणाम अगर सामने नहीं आ रहा है तो करने का मतलब क्या है बच्चे फिर कर क्यों रहे हो समझ है इस बात में स्वार्थ वाले बनो कि घड़ी घड़ी परिणाम को देखो परिणाम मिला कि नहीं मिला मिला कि नहीं मिला कहा है वो स्वार्थ बुद्धि तुम्हारे अंदर बस चलो मत परिणाम पाओ समझ के बात है तुम्हें लगता है अपने आप हो जाएगा सब बाबा कर देगा बच्चे सभी बच्चों को कहना चाहूंगा आज से अगर गलती से भी कहा ना बाबा कर देगा माया को कहकर ऐसा बिगाड़ दूंगा ना तुम्हें सोचा भी नहीं होगा अपने लिए इतना गिरा दूंगा मैं माया को कहकर सपने में भी नहीं सोचा होगा इतना गिरा दूंगा मैं धरती पर नहीं सीधा पाताल में दबा दूंगा माया को कहकर करना नहीं होता अपने से मैंने तो बता दिया ना क्या करना है और क्या नहीं करना है खाना कैसे आता है अपने से उस समय कहते हो किसी और को चबा के दे दो खाओगे क्या चबा के दिया किसी ने तो कहोगे छी नहीं खाना है मैं तो अपने से करना नहीं होता अपने से खाना आता है समझ की बात है करो भाई मरने का टाइम आया फिर भी करने का आता पता नहीं है बस कर रहे परिणाम कहा है परिणाम का है वेयर इज द रिजल्ट रिजल्ट कहा है भाई बिना रिजल्ट के ऐसे जिंदगी भर चलेगा क्या तुझे क्या लगता है कब परिणाम सामने आएगा या तुझे जिंदगी भर मेहनत करनी है मरने तक और फिर कुछ भी नहीं पाना है ऐसे ही चलना है क्या ऐसे एम ऑब्जेक्ट है तो मुबारक हो विश यू ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक चलते रहो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं जिंदगी भर ऐसे ही करना है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले बस ऐसे ही चलता रहूंगा गधे की तरह कोई इधर कहेगा तो इधर जाऊंगा उधर कहेगा तो उधर जाऊंगा परिणाम मिले ना मिले चलता रहूंगा चलो मुझे कोई आपत्ति नहीं परिणाम कब आएगा सामने समझ है भाई देख चेक कर बाद में मुझे दोष नहीं देना कि बाबा हम बने क्यों नहीं वो बन गए हम क्यों नहीं बने मैं तो साफ कह रहा हूं ना करना तुझे है और तू बना है ये तू देख और फिर मेरे पास आ बताने के लिए बाबा हमें लगता है हम इस अवस्था में बने हैं पर पहले तू तो कंफर्म कर बना है या नहीं बना है समझ के बात है भाई चिंतन कर चेक कर अपने आप को हर रूप से ओम शांति यह है याद की यात्रा सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो जो जो जहाँ भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं कोई बहुत चमकते हैं कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है यह बहुत नज़दीक है यह तो चमकता ही नहीं है तुम्हारा भी गायन है तुम हो ज्ञान और योग के सितारे ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को बाप बच्चों को ही याद करते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाप है सर्वशक्तिमान उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं बच्चे भी याद करते हैं जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है याद से याद जरूर मिलती है बच्चे ध्यान में रखना तुम याद करोगे तो मैं याद करूंगा तुम्हें ही याद नहीं तो मैं क्यों याद करूं सिंपल बात है याद है तुम्हें समझ की बात है बाप सबको याद नहीं करता समझ है इसमें भी तीन सूत्र है तुम निराकार को याद करोगे मैं निराकार के रूप में तुम्हें निराकार रूप में याद करूंगा नॉट साकार नॉट आकार ध्यान में रखना तुम आकार की डायरेक्शन पर चलोगे मैं तुम्हें आकार रूप में याद करूंगा प्यार भी भेजूंगा और साकार की श्रीमत पर चलोगे साकार रूप में याद करूंगा अरे ये बच्चे का क्या हुआ ये बच्चा आया नहीं बहुत दिन हो गए इनका कोई मैसेज नहीं आया कॉल नहीं आया कहाँ रह गया ये बच्चा तुझे याद नहीं करना तो मुझे भी याद नहीं करना बात समाप्त तीन हिसाब है पूरे पूरे सारी समझ की बात है सारे सारे साकार क्यों चाहिए क्योंकि तेरे पास कैपेसिटी नहीं है सदा निराकार स्थिति में रह सके या सदा आकार में रह सके पर साकार में बाप उपस्थित है इतना तो पता है बाबा है बात खत्म हो गई मुझे भी पता है बच्चा है जैसा तू वैसा मैं देख याद देख चेक कर अपने आप को चेक कर बाप याद आता है तुझे याद आया है कभी सब समझ की बातें हैं सारी तुझे कभी मधुबन याद आया है स्वार्थ छोड़कर सारी समझ की बातें हैं कभी आबू याद आया है क्या कोई कहता है क्या करे हम मधुबन जा नहीं सकते पॉसिबल नहीं है आबू जा नहीं सकते तू गूगल मैप में आबू कब देखता है जो लाइव शांति स्तंभ है कमरा है हिस्ट्री हॉल है ये कब देखता है तू देखा तो भी मिल गया ना आबू से आ तू आ गया ना तू आबू देखता कब है तू तू कब आबू को देख रहा है जो आबू तुझे बुलाए? देखता है कभी गूगल मैप में या लाइव में या तेरे पास आबू का चित्र है शांतिवन का पांडुवन का ज्ञान सरोवर का माउंट आबू का है तेरे पास कोई चित्र घड़ी घड़ी देख रहा है मेरा घर मेरा घर मेरा घर देख रहा है कभी कभी कशिश हुई है तुझे कभी नहीं उसी प्रकार बाप का फोटो रखा है मेरा बाबा मेरा बाबा देखा है घड़ी घड़ी अभी नाटक करेगा बाप जानता है सब सारी समझ की बात है देख दिल कितनी है हर बात को लेकर दिल का कारोबार है बच्चे सारा देख तेरे दिल कितनी है बच्चे दिल है तू कभी देखता है ईश्वरीय परिवार कि जाओ मैं भी भाग्य लू ईश्वरीय परिवार में बैठूं देखा है कभी नहीं समझ की बात है सारी बोल बाबा मिलन छोड़ के तूने कब वीडियो लगाया है बाबा मिलन के तेरे घर में और ये अनुभूति की है कि तू बाबा मिलन में डायमंड हॉल में बैठा है दिल ही नहीं है तेरी तू क्या बताएगा मुझे दिल होती तो तू करता बता ब्रह्मातन में मैं था फोटो है तेरे पास तेरे घर में दादी तन में मैं था फोटो है तेरे पास तेरे घर में रखा है अच्छा खासा ये मेरा परमात्मा शिव बाबा है फोटो तेरे पास नहीं है बाकी सारी बातें करने के लिए तेरे पास धन भी है समय भी है ऊर्जा भी है परमात्म नहीं है समझ की बात है बच्चे चेक कर अपने आप तेरे दिल कितनी है मेरे हिसाब से तेरे दिल ही नहीं है बस शायद तेरे भाग्य ने तेरे ड्रामा ने या किसी ने तुझे जबरदस्ती इस राह पर धकेल दिया है इसलिए तू चल रहा है और क्या कहूं मैं मुझे तो यही लगता है तेरी अवस्था को देखकर, देख अपने आप को चेक कर क्या है सच में तू आया है या किसी ने तुझे धकेल दिया है इस राह पर चिंतन कर इसलिए जो बच्चे दिल से याद करते हैं बाप भी उन्हें दिल से याद करता है जैसा तू वैसा मैं बच्चों को भी याद करना है बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं बाप कहते हैं क्यों नहीं इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं अब मिलने का समय आया हुआ है ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है बाप आते हैं आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं पतीत से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं बाप तो एक ही है उनको ही सब याद करते हैं परंतु याद सब को नंबर बार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है बच्चे याद कैसी परम धाम भी नीचे आया बाबा मेरे सामने हैं याद को ध्यान से समझो ट्रांसलेट भल वहाँ है पर याद मना मैं आत्मा यहाँ और यहाँ ही मेरे सामने एक फीट पर ही बाबा है जिससे प्रकाश निकल रहा है ये परमधाम है एक डेढ़ फीट पर इसमें बाबा है जिसे हम देख रहे चैतन्य है वो साक्षात है निराकार उसे देख रहे इधर ही है कहाँ उतनी दूर देखे ट्रांसलेट को मेरा बाबा तो मेरे सामने है उससे लाइट आ रही माइट आ रही है मुझ पर यह है याद जब ऐसे करोगे तब अनुभूति स्टार्ट होगी उधर मत देखो वो तो नाम की रखी है ट्रांसलेट कि क्या याद करना है ये पता चले इसके लिए रखी है। यहां ही देखो सामने ही एग्जैक्ट सामने एक दीढ़ फीट पर वहां ही बाबा है उसे देख रहे हो तो मस्त आत्मा उसे देख रहे दूर देखोगे तो आत्मा को यह सब दिखेगा भटकेगी और यहाँ देखोगे तो ये सब ब्लर हो जाएगा याद माना आंखें ब्लर होनी चाहिए पूरी पूरी आंखें अगर ब्लर हुई है जहां बैठे हो उन सभी बातों के लिए तो तुम याद में हो धुंधली हुई आंखें बस यहां स्पष्टता है सामने आंखों को जब तक धुंधला नहीं करोगे बाहरी संसार के लिए तब तक मन बुद्धि बाहर ही भटकेगी क्योंकि आंखें जो देखती है बुद्धि वो देखती है मन उस पर चिंतन करता है संस्कार उस प्रकार के उसके संस्कार इमर्ज करता है बात समाप्त हो गई आंखें बंद नहीं कर सकते आंखें बंद की तो बच्चे अनकॉन्शियस माइंड जग जाएगा आंखें खुली रख के संसार को देखने लगे तो कॉन्शियस माइंड जग जाएगा आंखें ब्लर होनी चाहिए और यहाँ ही टिकी रहनी चाहिए यही इसी में यह सबकॉन्शियस माइंड जागरूक है बाबा दिख रहा है दूर नहीं जाना एक डेढ़ एक डेढ़ फीट पर ही बस यहाँ ही बाबा है निराकार स्वरूप है लाइट निकल रही है उससे मोबाइल में लैपटॉप में स्वरूप देखा ना टीवी में बात समाप्त हो गई इसको कहते हैं याद समझ है बच्चे वो हटियोग में नासाग्र दृष्टि करने की कोशिश करते हैं नासिका के अग्रभाग पर यात्रा टीका करते हैं बरोबर है बच्चे वो नहीं याद तुम अनुभव करके देखो थोड़ा दूर बाबा को याद करो उस दीवार पर कैसे लगता है यहां बैठो दो चार फीट पर ट्रांसलेट के सामने याद करके देखो कैसे लगता है और ऐसे एक डेढ़ फीट पर आंखों के सामने याद करके देखो कैसे लगता है जो अच्छा लगे वो करो और याद होना बहुत जरूरी है ये मेरा बाबा है बस उसमें खोया हुआ है ध्यान उसी में आंखें अगर उसको ही देख रही वहां ही देख रही है तो बुद्धि वहां टिकी है आंखें जहां जाती है तन की पूरी ऊर्जा वही रहती है बुद्धि जहां जाती है मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति दिव्य गुण सबकी ऊर्जा वहां टिकती है और ये दोनों जहां टिके हैं, वहां आत्मा टिकती है ध्यान में रखना इस सूत्र को तन अगर कहीं और है बुद्धि अगर कहीं और है तो आत्मा कहीं के कहीं है ये दोनों एक जगह पर टिकने चाहिए इसलिए आंखें और बुद्धि तीनों नेत्रों का बड़ा काम है इस योग में तीनों नेत्र रहने ही चाहिए फिर याद कर पाओगे फिर याद हो पाएगी वरना मुश्किल है बच्चे विधि तो मैंने बता दी है जो अच्छा लगे करो ना लगे मत करो बात बच्चे समाप्त जितना याद करेंगे कर्मेंद्रिया चंचल नहीं होगी इस प्रकार से याद करके देखो जो बाबा ने विधि बताई कर्मेंद्रिया चंचल बहुत होती है ना इसको ही माया कहा जाता है इसका एनिमेशन बना दीजिए कोशिश कीजिए आज ही बना दीजिए और अपलोड कर दीजिए ताकि सबको समझ में आए कैसे याद करना है कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो यह योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है और घड़ी घड़ी इस याद में बैठना है बच्चे ध्यान में रखना सबको बताना चाहता है बाप इस याद में माया नहीं आती ये जो विधि बाबा ने बताए कोशिश करके देखना बड़ा आनंद आएगा यहां से एक डेढ़ फीट पर ही बाबा है और मैं आत्मा देख रही हूं बाबा को बस बात समाप्त बाकी ये सब परमधाम है खत्म हो गई बात माया नहीं आती इसमें माया कब आती है जब आंखों को संसार की कोई वस्तु पदार्थ दिख जाता है बुद्धि को कुछ और सूझ जाता है विजन आता है माया आ जाती है पर ये विधि ऐसी है इसमें आंखें आपकी धुंधली होंगी संसार को लेकर और बुद्धि यही रहेगी बड़ा आनंद है यह योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश होती है बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिया वश हो जाएगी देखो बच्चे कर्मेंद्रिया वश करने का विधि विधान है याद दोनों भी मैंने बता दिया और देखो इस प्रकार से याद करने के बाद कौन सी कर्मेंद्रिया वश हो रही है चेक करो बच्चे दबाओ मत शैतान तो हर किसी के अंदर है बस किसने अपने शैतान को कड़े रूप से बांध के रखा है और किसका शैतान दिख रहा है किसका शैतान प्रगट है कर्मों के रूप में पर शैतान तो उपस्थित है बच्चे ध्यान से चेक अगर शैतान नहीं होता तेरे अंदर तो नेगेटिव संकल्प नहीं आते वेस्ट वेस्ट थॉट संकल्प नहीं आते शैतान नहीं होता तो शैतान अगर नहीं होता तो देह और देह के संबंधों में बुद्धि नहीं अटकती शैतान की उपस्थिति ही बता रही है समझ की बात है ये सारी बातें देख अपने आप को चेक कर समझ है सबसे अच्छी बात क्या है ज्ञान की शैतान को दबाओ मत शैतान को यह पसंद नहीं है जिस नाम रूप में तन में वो बैठा है उस नाम रूप की तन की बदनामी हो इसलिए जितना अपमान पाओगे जितनी ग्लानी पाओगे जितनी निंदा पाओगे उतना शैतान मुक्त बनोगे और जितना इससे विपरीत पाओगे सम्मान स्तुति प्रशंसा उतना बच्चे मरोगे समझ है समझदार बन। जो है जैसा है स्पष्ट रहे आज नहीं तो कल सब सत्य सामने आ ही जाएगा चिंता ना कर तेरा सब सत्य उजागर होगा ऐसे नहीं कि उस समय का नहीं पूरे संगम के पार्ट का एक एक सेकंड सब लोग देखेंगे टीवी पर ड्रामा के घर जाने से पहले तूने कौन से सेकंड में कौन सा कर्म किया क्या बोल बोले भले अकेले में था क्या दृष्टि थी क्या संकल्प था क्या वृत्ति थी सब सबके सामने आएगा चिंता ना कर तेरा सब उजागर हो जाएगा अभी सब अगर उजागर ही होने वाला है इज्जत का फालूदा होने ही वाला है भाई तो फिर छिपाना किस बात के लिए समझ है देख बच्चे योग कर कर्मेंद्रिया वश होना मना क्या है बच्चे जो तेरी कर्मेंद्रिया शैतान चला रहा है वो शैतान धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और निकलता जाएगा और तेरी कर्मेंद्रिया तू चलाता जाएगा तेरे हिसाब से कर्मेंद्रियों को कहेगा उठ तो उठना होगा बैठ तो बैठना होगा तेरे हिसाब से कर्मेंद्रिया चलेंगी ऐसे होगा और यह सब होगा योग से देख करना चाहे तो कर वरना ना कर बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगे इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है सो तो भगवान ही सिखलाएंगे भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रिया चंचलता नहीं करेंगे अभी चंचलता बंद होने से फिर इक्कीस जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी इक्कीस जन्म के लिए कर्मेंद्रिया वश हो जाती है सबसे मुख्य है काम याद करते करते कर्मेंद्रिया वश होती जाएंगी अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है बच्चों आज जो बाप ने विधि बताई उसका चार्ट मुझे एक घड़ी का चाहिए आज सबका चाहिए एक घड़ी का एक्यूरेट चार्ट बाबा को चाहिए कंटिन्यूस एक घड़ी मुझे नहीं चाहिए जैसे भी करो पर 24 मिनट का चार्ट बाप को चाहिए इस प्रकार से बाबा को याद करने का 24 मिनट का चार्ट भले एक एक मिनट करो 24 बार करो जो तुम्हारा पुरुषार्थ है विश्व सेवा का इसके अलावा ये चार्ट चाहिए बाप को समझ करो देखो देखो क्या होता है अनुभव करके देखो। याद करते करते वश होती जाएंगी अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे तुम पवित्र होते जाते हो यह है नंबर वन सब्जेक्ट बुलाते भी है पतित से पावन होने लिए तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं बाप ही नॉलेजफुल है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो बाप को याद करो यह भी नॉलेज है एक है योग की नॉलेज दूसरा है चौरासी जन्म के चक्र की नॉलेज दो नॉलेज है फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं अपनी जांच करनी है बच्चे कौन से दैवी गुणों को तूने धारण किया है एक ऐसा आत्मा का दैवी गुण बता जो पूर्ण रूप से तूने धारण किया है एक मैं चालीस की बात नहीं कर रहा हूँ एक जो तेरा संस्कार है क्या शांति है क्या आत्मिक पवित्रता है क्या आत्मिक सुख है क्या आत्मिक स्नेह है प्रेम क्या आत्मिक शक्ति है आत्मिक ज्ञान आत्मिक आनंद अष्ट शक्तियाँ दिव्य गुण क्या ऐसा है आत्मा को लेकर जो तूने संस्कार बनाया है और अगर नहीं बनाया तो तू कर क्या रहा है यहाँ पर आत्मा के संस्कार बनाने आया है ना आत्मा का स्वभाव बनाने आया है ना तो कब बनाएगा तो कर क्या रहा है इतने वर्षों से दैवी गुण है का कितने तो धारण करने हैं भाई और वो सारे धारण करके सोलह के सोला कला होने चाहिए वो हो सब इस अवस्था में पहुंचना है तब सतयुग के आदि में आएंगे बच्चे ध्यान में रखना सत्युग के आदि में आने वाले चांडाल के दैवी गुण भी सारे होते हैं तेरे पास है चेक कर क्या करे तो वो दैवी गुण तेरा हिले जाएगा चेक कर अपने आप को बस चल नहीं अभ्यास कर और देख समझ की बात है सारे चिंतन करना अपनी जांच करनी है नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी बाप खुद कहते हैं मामे कम याद करो तुमने ही मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है वह जब आते हैं तब ही यह डायरेक्शन देते हैं अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े यह बहुत वंडरफुल बातें हैं त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं फिर चौरासी जन्मों के बाद यह बनते हैं यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण देवता थे फिर चौरासी का चक्र लगाया अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं जब देवताओं की डिनाइसिटी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं अब वह बाप तुमको यह पद पाने लिए युक्ति बताते हैं याद भी बहुत सहज है सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगे ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं बाबा भी बहुत मदद करते हैं औरों का भी कल्याण करना है वह भी ड्रामा में नोंद है एक सेकेंड न मिले दूसरे से टाइम पास होता जाता है इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते हैं शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है यह सेकेंड फिर पाँच हजार वर्ष बाद रिपीट करेंगे यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो बच्चे ध्यान में रखना हर सेकंड पास होगा पर क्या जो पास हुआ उस सेकंड पर श्रीमत की नोंद है तुम्हारे कर्म बोल संकल्प वृत्ति दृष्टि के लिए अभी यहां बैठे हो इस सेकेंड में वहां भी बैठ सकते हो वहां भी बैठ सकते हो यहां भी बैठ सकते हो टेरेस पर भी जा सकते हो गार्डन में भी जा सकते हो चॉइस है तुम्हारे पास पर भला किस में जहां श्रीमत बिठाए तुम्हारा हर सेकेंड श्रीमत कि नोंद लेकर पास हो रहा है क्या देखो चेक करो अपने से चेक करो जो सेकंड पास हो रहा है उस पर श्रीमत का ठप्पा लगा है क्या स्टैंप चेक करो जिस सेकंड पर श्रीमत का ठप्पा लगा है सफल फिर श्रीमत ने कहा बैठो या कुछ नहीं किया फिर भी सफल श्रीमत के ठप्पे को किसी कर्म बोल दृष्टि संकल्प वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती श्रीमत का ठप्पा श्रीमत का ठप्पा ही इनफ है समझ है बच्चे विचार कर अपने से ठप्पा लगता है क्या तेरे हर सेकंड पर समझ की बात है सारी बच्चे समय तो जाएगा टाइम तो पास होगा ही होगा पर असली टाइम पास कब हुआ पास मना क्या कहते उसको उत्तीर्ण और क्या शब्द है पास के लिए आ? सफल टाइम सफल कब कहेंगे जिस टाइम पर ठप्पा लगा श्रीमत का इसलिए बच्चे देख तेरे समय पर श्रीमत का ठप्पा है क्या नहीं है ना मनमत परमत के ठप्पे हैं। वही तो लगता रहता है इसलिए तेरा टाइम पास हो रहा है टाइम पास नहीं हो रहा है सफल नहीं हो रहा है टाइम पास हो रहा है चेक कर शब्द एक ही है अर्थ अलग अलग है श्रीमत 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 संगम का अर्थ ही है श्रीमत बात समाप्त देख ऐसी अवस्था है क्या सारी समझ की बात है ऐसे अवस्था वाले ही परम सौभाग्यवान हैं बाकी सभी ड्रामा और बाप क्या कहे यह yes, सेकेंड फिर पांच हजार वर्ष बाद रिपीट करेंगे जैसे गया है बर्बाद क्यों कर रहे हो क्यों ना श्रीमत का ठप्पा लगाए स्टैम्प लगाए मजा आ जाएगा श्रीमत का लगे तो उस पर बड़ा आनंद आएगा बड़ी खुशी होगी बड़ी मौज होगी देखो बच्चे कल भी बाबा ने कहा अब बच्चों को विधि विधान बताया बराबर किस बात का जगह चेंज करो आज भी उसे सिक्वेंस में क्यों आल वहा बैठो सिक्वेंस वही क्यों नाम पर की है क्या वो सारी जगह होश नहीं है ऑपरेटर की बात निराली है तो तुम्हें श्रीमत पता नहीं कल मैंने दी थी खबर नहीं है भूल गए समझ के बाद कब सुधरोगे भाई साकार में परमात्मा के संग चल रहे हो सुधरोगे कब ध्यान में कब रहेगा क्या करे समझ में नहीं आ रहा है तो बाजू वाले को रिक्वेस्ट करो कि कल बाबा ने ऐसे ऐसे कहा था तो हम जगह चेंज कर सकते होता नहीं क्या याद रखोगे तो होगा याद नहीं रखोगे तो कहां से होगा भाई सब कुछ याद रखना पड़ता है तब सफल होता है सब कुछ सारी समझ के बात है सारी की सारी शायद तुम अपना कल्याण नहीं करना चाहते इसलिए तुम्हें विस्मृति हो जाती है कल्याणकारी बातों को लेकर उन बातों की तुम अपने संस्कार और स्वभाव से निकलना नहीं चाहते इसलिए विस्मृति हो जाती है ड्रामा बच्चे और बाप क्या कहें वंडरफुल ड्रामा है ध्यान में रखना जो सेकंड गया पाँच हजार साल के बाद आएगा ठप्पा लगा तो ठीक नहीं लगा तो भी मेरे हिसाब से ठीक वाह ड्रामा वाह। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो और कोई उपाय नहीं इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब थी भक्ति कहते भी है कहते भी है भक्ति का फल भगवान देंगे क्या फल देंगे कब और कैसे देंगे यह कुछ भी पता नहीं है बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो सभी को फल चाहिए पर लेने के लिए हाजिर ही नहीं फल कैसे मिलेगा भाई घर बैठे फल नहीं मिलता इसी का गायन है भगवान जब अकल बांटने के लिए आया था तो भाई तुम कहा थे अपने नौकरी में अपने धंधे में अपने घर परिवार में एजुकेशन प्रोफेशन में अपने मायावी व्यवस्था में मुबारक हो मुबारक हो भगवान वहां नहीं आता अकल बांटने उसके पास लेने के लिए आना पड़ता है मूर्ति कभी मंदिर छोड़कर नहीं जाती ध्यान में रखना मंदिर में तुम्हें आना पड़ता है कोई मंदिर में रोज सुबह जाते हैं दर्शन करके आते हैं कोई स्तोत्र पाठ करके आएंगे कोई होम हवन करके आएंगे कोई थोड़ी बहुत सेवा भी करके आएंगे आधा घंटा एक घंटा मंदिर में कोई सुबह शाम दो टाइम जाएंगे पर भाग्यवान ही मंदिर में रहेगा पुजारी जी को कहेगा हम यहाँ रह सकते हैं हमें सहमति है हमें सेवा के लिए रहना था भाग्यवान बाकी गोरख धंधे में जाएंगे ऐसे सब है भाग्य बहुत थोड़ों का होता है भगवान के साथ चलने का सब का नहीं होता ड्रामा है ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे गर्भ में गया दुख भोगा फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया काशी कलवट में भी यह हालत होती है पाप सिर पर बहुत है योग बल तो है नहीं काशी कलवट खाना यह है अपने को श... यह है अपने शरीर का घात करना आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं वह भक्ति हो जाती है दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किससे लेन लेन देन होती है पाप आत्माओं से रावण राज्य है ना बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा बच्चे ध्यान में रखना बाप ने परमात्मा ने दिया हुआ तेरा वर्षा है जो तेरे पास है घर गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस लेन देन संभल कर करना होंगे तेरे बच्चे पर अगर खराब काम में लगाया तेरा धन था ना वो जा तुझ बाकी मर्जी तेरी करना क्या है मुझे कोई आपत्ति नहीं पर खराब काम में लगाया हिसाब तेरे माथे पर आएगा क्या करना ये तू जान मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे कोई लेना देना नहीं तू क्या कर इसका मैं इस बात में जाता भी नहीं मैं बस तेरे कल्याण की बात तुझे बता रहा हूं कभी तू तेरे धन से तेरे परिवार को खिलाता पिलाता है कहता है कर्तव्य बहुत अच्छी बात है पर वो तेरा परिवार अच्छे कर्तव्य कर रहा है क्या नहीं ना भोजन किसका खा रहा है तेरे धन का बोझा तुझ पर बात समाप्त क्यों नहीं कह सकता परिवार को ज्ञान में नहीं चलेंगे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी जाओ जो करना है करो जो करना है करो और अगर ज्यादा गड़बड़ की तो सब डोनेट कर दूंगा देखो कैसे नहीं आते ज्ञान में हिम्मत चाहिए कहने की अच्छे मार्ग में लाने की अच्छाई के लिए जोर जबरदस्ती पाप नहीं है किसी का भला हो रहा है ना तो पाप नहीं है। समझ की बात है पर तू मोहित है ना उनके प्यार में मोह में अटका हुआ है तुझे लगता है इनका क्या होगा उनका क्या होगा उसी में रह और तैयार रहना वो तेरे धन को लेकर जो कुछ करेंगे उसका हिसाब किताब मैं लूंगा मैं धर्मराज तैयार रहना बच्चे समझ है हर बात का यहां हिसाब किताब होता है हर बात का किसी भी बात से तू छूट नहीं सकता संभल कर रहना मैं तो बस बता रहा हूं हां उन बच्चों ने अच्छा कर्म किया तो जो पुण्य मिलेगा वो भी तेरे खाते में लिखवा दूंगा पुण्य मिले पुण्य मिलेगा तुम चिंता ना कर समझ की बात है बच्चे चिंतन कर अपने से सारी समझ संभल कर लगाना और संभल कर चलना बाकी तेरी मर्जी जो अच्छा लगे हिसाब किताब हर बात का होकर रहेगा हर बात का बच्चों देखना आगे चल के ऐसे महाज्ञानी महायोगी महाधारणा वाले और महासेवाधारी निकलेंगे जिनकी आत्मिक स्थिति भी तेज होगी योग भी कड़ा होगा सब कुछ ठीक फिर भी दुर्गति को पा जाएंगे क्यों पता है क्योंकि उनका धन गलत कामों में लग गया सब ठीक बस धन मना सिर्फ पैसा नहीं घर गाड़ी बंगला हर वस्तु जो तेरी है इवन कपड़ा भी एक छोटा सा रुमाल भी एक पिन भी गलत काम में लगे हिसाब किताब होगा ऐसे निकलेंगे मैं कह रहा हूं ना सब ठीक होगा बस उनकी चीजें गलत काम में लगने के कारण चांडाल से भी बदतर हालत होगी चांडाल के भी दास दासे बनेंगे नौकर चाकर बनेंगे खबरदारी बहुत लेनी पड़ती है यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत संभल कर रहना पड़ता है ऐसे नहीं कि बस ज्ञान हमारा बहुत अच्छा योग बहुत अच्छा धारणा सेवा बहुत अच्छी हम तो ऊंच है बहुत कुछ देखना पड़ता है बहुत कुछ आशीर्वाद देने का बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों को लौकिक परिवार वालों को चिंता नहीं करो सब ठीक होगा उसकी वो बात ठीक होगी और उसने दूसरों की बातें बिगाड़ दी अभी तेरा बिगड़ेगा क्योंकि तूने गलत को आशीर्वाद दिया श्री राम जी श्री रावण जी को आशीर्वाद नहीं दे सकते थे श्री कृष्ण जी विधाता श्री कंस जी को आशीर्वाद नहीं कर सकते थे नहीं किया पता है पापी को आशीर्वाद करेंगे तो मुझ पर भी पाप लग जाएगा तेरा परिवार पुण्यवान है तेरे माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी देख कर बाकी मर्जी तेरी मुझे कोई आपत्ति नहीं जो करेगा सुपाएगा बात समाप्त खबरदार रहना भाई लेन देन में जो अच्छा लगे कर जो ठीक लगे कर मुझे क्या मतलब है मेरा काम है बताना बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना कहा कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है व आजकल धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं गरीबों के लिए हैं झोपडियाँ। वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं उस कीचड़े की खाद बनती है जो बिकती है जिस पर फिर खेती आदि होती है सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती है वहाँ तो नई मिट्टी होती है उसका नाम ही है पैराडाइज नाम भी गाया हुआ है पुखराज परी सब्ज परी रतन है ना कोई कितनी सर्विस करते हैं कोई कितनी करते हैं कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते हैं बाबा के रतन तो सभी हैं, परंतु तो उनमें भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है जो फिर पूजे जाते हैं पूजा होती है देवताओं की भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं वह सब ड्रामा में नोंद है जिसको देखकर मज़ा आता है हम एक्टर्स हैं इस समय तुमको नॉलेज मिलती है तुम बहुत खुश होते हो जानते हो भक्ति का भी पार्ट है भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं गुरु ने कहा माला फेरो भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं गुरु ने कहा माला फेरो बस उसी खुशी में फेरते ही रहते हैं समझ कुछ भी नहीं शिव निराकार हैं, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं मूर्तियों को भोग लगाते हैं वह कोई खाती थोड़े ही है भक्ति का पेशगिर यान विस्तार कितना बड़ा है भक्ति है झाड़ ज्ञान है बीज रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियाँ भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है कल्पना रिपीट थोड़े ही होती है यह तो नॉलेज है यह है नई बातें नई दुनिया के लिए भगवान वाच भगवान भी नया उनके महावाक्य भी नहीं बच्चे हड्डियाँ कब सुहा करोगे तुम्हारा जो है वही सुहा नहीं कर रहे हो न तन यज्ञ में लगा रहे हो न मन न आत्मा हड्डिया कब लगेगी भाई लगेगी हड्डिया ददीची ऋषि मिसल ब्रह्मा मिसल मम्मा मिसल लगेगी कि क्या लगेगी क्या तुम्हारी हड्डिया कब लगेगी समझ है बच्चे ध्यान में रखना हड्डिया कोई खा ना जाए उसका भी एक हिसाब किताब है आप नहीं जानते किसी को पता नहीं तुम्हारी हड्डियां कहाँ लगी है हड्डियां मना पूर्ण रूप से यज्ञ के बन गए विश्व सेवा के बन गए विश्व परिवर्तन के बन गए इसको कहते हड्डियां लगना समझ की बात है देखो आज भी स्व कल्याण के लिए हड्डियां लग रही है या विश्व कल्याण के लिए हड्डियां लग रही है चेक करो बच्चे मुझे कोई आपत्ति नहीं जहां लगाना है लगाओ मुझे कोई समस्या नहीं बच्चे तेरी अपनी अड्डिया है तेरी अपनी जीवन है तेरा अपना सब कुछ है जो करना है कर मुझे क्या लेना देना है मेरा काम है बस बताना ठीक लगे तो कर ना लगे तो ना कर समझ की बात है सारी चिंतन कर बच्चे अपने से और बच्चों एक बात बाप बताना चाहता है जितनी देरी कर रहे हो ना, उतना बोझा चढ़ रहा है संभल कर रहे ना अपने को संपूर्ण रूप से परमात्मा का विश्व सेवा के यज्ञ का ईश्वरीय परिवार का बनाने में करने में जितनी देरी कर रहे हो उतना इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट खतरनाक कंपाउंड इंटरेस्ट है बढ़ता जा रहा है संभल कर रहना, बाकी तेरी अपनी मर्जी जो अच्छा लगे तुझे कर मैं किसी को नहीं कहता यही कर जो ठीक लगे कर समझ है भाई तुझे जो ठीक लगे चिंतन कर तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है कल्पना रिपीट थोड़े ही होती है यह तो नॉलेज है यह है नई बातें नई दुनिया के लिए भगवान वाच भगवान भी नया उनके महावाक्य भी नहीं वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच तुम कहते हो शिव भगवान वाच हरेक की अपनी अपनी बातें हैं एक न मिले दूसरे से यह है पढ़ाई स्कूल में पढ़ते हो कल्पना की तो बात ही नहीं बाप है ज्ञान का सागर नॉलेजफुल जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते हैं उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिले जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए नए नए इन बातों में मूंझते हैं कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो बाकी सब झूठे हैं तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है बाकी सब तो रचना है उनसे वर्षा मिल न सके वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो न सके पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ धर्म तो है ही चार हरेक धर्म का धर्मशास्त्र एक ही होता है बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं बाप आकर तुमको सम्मुख बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा रथ तो ज़रूर चाहिए आत्मा तो है निराकार उनको साकार शरीर मिलता है आत्मा क्या चीज़ है उनको ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे राइट तो बाप ही सुनाते हैं बाकी सब है अनराइटियस जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं बाप को ही नहीं जानते बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं ज्ञान से सदगति होती है आधा कल्प है ज्ञान आधा कल्प है भक्ति भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमोप्रधान बन पड़े हैं किसके भी ऑक्युपेशन को नहीं जानते हैं भगवान की कितनी पूजा करते हैं जानते कुछ भी नहीं तो बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है इसमें है मेहनत अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करें परंतु याद एक को ही करें गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे अब बाप भी आए हैं तुम सब किससे मिलने आए हो जो प्राण दान देते हैं आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं बाप बाप ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ पार्वती को अब अब अमर अब अमरनाथ तो एक ही है हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़े ही कथा सुनाएंगे भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है अच्छा मिठे मिठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम 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 की भी याद प्यार गुड मॉर्निंग अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है एक नंबर योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है दो नंबर सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को सत्ताओं कर लेन देन करनी है। है को सहयोगी बनाए प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है तो यही एक परमात्म सत्ता है सभी एक स्टेज पर इकट्ठे ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ सहयोगी बनाओ यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी स्लोगन है सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है अच्छा ओम शांति सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो बच्चे टोली खाओ और संपूर्ण रूप से बाप के बनो अच्छा ओ शांति द्वारे मेरा आख्यावा द्वारे मेरा ईश्वरीय परिवारवा द्वारे मैं स्वराज अधिकारी आत्मावा अच्छा ओम शांति मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा अच्छा ओम शांति ओम शांति